जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आइए, इस वीडियो में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो इसमें हम सॉल्व करेंगे 5 जनवरी 2022 और 6 जनवरी 2022 दो सेट जो हुआ था उसमें हम पेपर वन में, सीटेट के पेपर वन में जो 15 न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाते हैं प्रश्नों को हल करने वाले, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। और कैसे हैं आप सब, ठीक है, पढ़ाई चल रही है। ऑलरेडी हम इन तीन सेट को देख चुके हैं। ये सेट में थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन मिसप्रिंट मिल गया था, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, बाकी बहुत जल्द उसको बना दूंगा। फिलहाल हम इस वीडियो में कौन सा देखेंगे, 5 जनवरी 2022 और 6 जनवरी 2022 के मैथ में पूछे गए सीटेट के सवाल, ठीक है। ये करना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि ये जो रिपीटेड क्वेश्चन देखेंगे, इसी सेट का सवाल देखेंगे, 5 और 6 दोनों में पूछा गया, और इस बार 23 जनवरी में भी पूछा गया था, तो कई ऐसे रिपीट सवाल होते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहला सवाल जो आज हम देखेंगे वो ये है, 5 जनवरी 2022 सीटेट के पेपर वन में पूछा गया सवाल, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस। कहने का मतलब आपके पास तीन अंक दिए गए हैं, ये और ये, इनके योग में से क्या घटाएं कि हमें ये प्राप्त हो जाए, ये हमें सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके योग में से, आइए ज़रा इसका योग देख लेते हैं, इसका योग कितना है। यहाँ पे दिया है बाबू, आपको दिया है 9599, ठीक है। अगला दिया है 5995, तीसरा क्या दिया है 9995। अब कह रहा है इसके योग में से क्या घटाएं कितना प्राप्त हो जाए, तो देखते हैं कि इसका योग कितना ज़्यादा है। तो ये देखेंगे 5, 5, 10, 9, 19 का 9 कैरी 1, 9, 3, 27, 1, 28 के 8 कैरी 2, ठीक है। अगला देखिए 9, 9, 18, 18, 2, 20, 3, 23 और कैरी 2, 25, 25 का 5 कैरी 2। तो यहाँ पे 9, 9, 18, 18, 3, 5, 23, 24, 25, 2589। आपने इसका सम किया, आपने इसको जोड़ा तो कितना आया, 25589, ये आया 25589। अब हमें देखना है कि 25589 इससे कितना ज़्यादा है, आइए ज़रा देखते हैं। 19995 इससे कितना ज़्यादा है भाई, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 9, 8 में से 9 नहीं जाएगा तो 18 में से 9 गया 1, फिर यहाँ बच गया 4, 14 में से 9 गया 5, फिर यहाँ बच गया 4, 14 में से 9 गया 5, 5594। कितना बाबू, 5594, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, 5594 कितना है, ये रहा ऑप्शन। तो इस तरीके से आपने एक सवाल लगा लिया सीटेट के पेपर वन, जो कि पूछा गया था 5 जनवरी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 55,55,55,55 को प्रदर्शित करती है। ये देखिए कैसा सवाल पूछा गया था, 5 जनवरी सीट, 55 लाख, यानी कि देख लेते हैं 55 लाख और कितना, 55,55,55, वाह, 3, 3, 6, 7, 5, जो 7 बार 5 लिखा गया वही सही होगा, 1, 2, 3, 4, 5 है, ये सही, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया, इसी तरीके से सवाल पूछा गया है और इसी तरीके से हम, टाइम नहीं लगेगा जब आप इसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करेंगे पूछ क्या रहा है, आसानी से आप कर लेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कहें, कुसुम ने अपने मित्र के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयाँ 6:30 पे होती हैं। अच्छा, घड़ी की दोनों सुइयाँ 6:30 पे होती है का मतलब 6:30 बज रहे हैं, राइट, ठीक है। इस समय को 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जा सकता है, तो 6:30 कब भाई, शाम को कि सुबह, शाम को 6:30 मतलब 24 घंटे वाली घड़ी में क्या होगा। देखो 12 घंटे वाली में क्या होता है ना कि दिन में 12 बजे के बाद 1 बज जाता है, लेकिन 24 घंटे वाली में 12 के बाद 13 और 14, तो शाम के 6, तो 12 के बाद गिन लीजिए, 6:30 था ना, दोनों सुबह 6:30, तो 12 के बाद गिन लीजिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18:30 बजे, 18:30 पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे ना, इसमें एक चीज़ गलत दिया है, गलत इन सेंस थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है। सवाल क्या कह रहा है कि जब दोनों सुइयाँ 6 पर हो, मैं घड़ी में ऐसा कभी नहीं आएगा कि दोनों सुइयाँ 6 पर होंगी, कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास घड़ी है, अब घड़ी में जब 6 बजेगा बाबू, जब 6 बजेगा तो छोटी वाली सुई 6 पर रहेगी और बड़ी वाली सुई 12 पर रहेगी, ठीक। तो जब 6:30 होगा, जब बाबू 6:30 होगा तो क्या होगा, जब 6:30 होगा तो छोटी वाली सुई 6 और 7 के बीच में आ जाएगी और बड़ी वाली सुई 6 पे आ जाएगी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन सवाल कह रहा था कि दोनों 6 पे है तो मान लेते हैं, जब दोनों 6 पे है तो मतलब 6:30 बजे, ठीक है, समझ आ गए। चलिए बहुत अच्छा, अगला सवाल देख लेते हैं। सी टेट 5 जनवरी 2022 को पूछा गया पेपर वन का,
ये सवाल देखिए, कह रहा है कि इसको योग करना है, मतलब जोड़ना है। 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 12 और 15 का एलसीएम बाबू होता है 60, ठीक है। 15 से इसको डिवाइड करते हैं, 15 चौके 60 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12। प्लस करना है, योग करना है तो प्लस कर लेते हैं। 12 से इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा? 5, और 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 35। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 × 5 × 7 और 47/60, 47/7। कहीं है जब विकल्प में 47/60, 47/7, बिल्कुल आसान सा सवाल, ये आपने कर लिया, ठीक है। चलिए ऐसे ही करते हुए चलिए, ऐसे ही देखिए सीटेट का सवाल पूछता है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आइए, एक वर्ग की परिसीमा 24 सेंटीमीटर है, इसको इसके एक कोने में से एक सेमी भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है तो नए आकार की परिसीमा में क्या परिवर्तन होगा? ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। देखिए हमारे पास बाबू एक स्क्वायर है, चलिए स्क्वायर, स्क्वायर में कह रहा है कि एक सेमी भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है। अच्छा, तो यहाँ से आप क्या करेंगे ना, एक सेमी भुजा वाला छोटा वर्ग काट लेंगे, ठीक है। इसको क्या कर लेना है, काट लेना है आपको, आपने यहाँ से कट कर लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी परिसीमा, परिसीमा का मतलब होता है कि ये इसकी बाउंड्री कितनी है, परिसीमा का मतलब इसकी बाउंड्री कितनी है, राइट। तो पहले कितनी थी, 20 थी, पहले कितनी थी, 20 थी। आपने एक यहाँ से काट लिया, एक यहाँ से काट लिया, ठीक है। तो यहाँ जब एक काटेंगे तो वास्तव में एक एक ये सीमा तो रहेगी ना, उसकी परिधि तो रहेगी। वास्तव में दोस्तों आप किसी स्क्वायर के अगर अंश काट लेते हैं तो उसकी परिसीमा में कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ भी इसकी परिसीमा क्या होगी, 20 ही होगी। अच्छा, ये तो सवाल ऐसे दिया है, कई बार सवाल आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, आपके पास कोई ऐसा स्क्वायर है और आपने चारों साइड से काट लिया, चारों साइड से आपने कट कर लिया। जब आप चारों साइड से भी कट कर लेंगे तब भी इसकी परिसीमा पैरामीटर में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है, ये इसका मूल कॉन्सेप्ट होता है। अब आइए ज़रा विकल्प देखते हैं। नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा से 2 नहीं होगी, कम नहीं होता है, समान होगा। नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा से 4 कम नहीं होगी। नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर ही होगी, बताइए बराबर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल बराबर होगी, क्या होगी बाबू? बिल्कुल बराबर होगी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 5 विद्यार्थियों की पेंसिल की लंबाई इतना है तो सभी पेंसिल की औसत लंबाई, ये क्या ही सवाल था, देखिए ना ये क्या ही सवाल था, मतलब सबको जोड़ के हम 5 से डिवाइड कर देंगे, इसमें इसको करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं बाबू, पहले देख लेते हैं पॉइंट के इधर कितनी कितनी संख्या लेते हैं। तो देखिए यहाँ कितना है, पॉइंट के इधर देख लेते हैं, पॉइंट के इधर कितना है, तो ये है 7 और 8, 8 × 7 = 15 और 15 × 5 = 20, 20 का 0 कैरी 2, ठीक है। चलिए पॉइंट के इधर देख लेते हैं, 7 और 9 और 7 16 और 1 17, 17 और 2 19, 19 और 5 24, 24 और ये 2 हमने लिया था तो ये हो जाएगा 26, 26 का 6 कैरी 2 रहेगा, फिर 1 2 3 और 6, 66, 66.0। और टोटल कितनी संख्या है बाबू? 5 विद्यार्थी हैं, 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचा 0.2, 11.2, 11.2 कहीं है यहाँ पे? बिल्कुल है, 11.2 आपका सही जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, कुछ कैलकुलेशन छोड़िए ना, बस 5 को जोड़ दीजिए और 5 एवरेज तो बड़ा आसान होता है बाबू, एवरेज आप निकाल सकते हैं ना, चलिए निकाल सकते हैं। ओके, अब अगला सवाल देखिए, 5 जनवरी 2022 सीटेट में पूछा गया सवाल कि 2 सेमी भुजा वाले 18 वर्ग को एक करेंसी नोट को पूरा ढक देता है। अच्छा, एक करेंसी नोट को 2 सेमी भुजा वाला एक वर्ग, 18 वर्ग चाहिए, एक करेंसी मान लीजिए हमारे पास नोट है, इसको ढकने के लिए हमारे पास 18 क्या चाहिए, करेंसी नोट को ढकने के लिए इतने 18 वर्ग चाहिए। अब कह रहा है ऐसे ही 3 नोट ढकने के लिए कितने वर्गों के, क्या सवाल है, मतलब एक नोट ढकने के लिए 18 वर्ग चाहिए तो 3 नोट ढकने के लिए कितने वर्ग चाहिए? 18 × 54, 18 × 18 = 54, बस इस सवाल में कुछ था, कुछ नहीं था। अगला सवाल देखते हैं, सीटेट का सेम 5 जनवरी 2022 को ही पूछा गया प्रश्न, कह रहा है कि इसको पहचानिए, चतुर्भुज को पहचानिए, मेरी 2 सममिति रेखाएं हैं, 2 सममिति रेखाएं हैं और मेरे सभी कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री कब होता है? जब आपकी आकृति बिल्कुल ऐसे हो, तो या तो ये स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा, 90 डिग्री रेक्टेंगल और स्क्वायर में ही होता है। और 2 सममिति रेखाएं किस में होती हैं? 2 सममिति रेखाएं आयत, आयत में होती हैं, यानी कि रेक्टेंगल में होती हैं, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, 5 जनवरी 2022 को ही पूछा गया सवाल था, कह रहा है कि 4 रंग नीले पीले काले और सफ़ेद की कमीजें क्रमशः 5, 10, 12, 15 के पैकेज में उपलब्ध हैं, मतलब
एक पैकेट में 5 शर्ट हैं, एक पैकेट में 10 शर्ट हैं, एक पैकेट में 12, एक पैकेट में इससे कम नहीं है। जैसे क्या कौन 4 रंग में कौन कौन सा है, पहला था नीला, तो जो हमारा नीला है ना, नीला दोस्तों वो 5 के पैकेट में है, पीला हमारा 10 के पैकेट में है, काला हमारा 12 के पैकेट में है और सफ़ेद हमारा 15 के पैकेट में, ठीक है। तो अब कह रहा होगा ये कि यदि एक दुकानदार को चारों रंग की कमीजें समान संख्या में खरीदनी हो, उसके द्वारा विभिन्न रंगों में खरीदे जाने वाले पैकेज की न्यूनतम संख्या क्या होगी। कह रहा कि हम ऐसे खरीदेंगे कि हमारे पास शर्टों की संख्या सेम हो, मतलब सेम शर्ट हो, अगर 20 शर्ट सफ़ेद हो तो 20 काला हो, मतलब सब सेम हो। तो कैसे निकालेंगे, एक कॉमन नंबर निकालिए। देखिए कॉमन नंबर कैसे, 5, 10, 12 और 15 का एक कॉमन नंबर न्यूनतम जो सबसे डिवाइड हो जाता हो, सबसे कट जाता हो, तो क्या करेंगे आप इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम समझ में आता है ना कैसे लेना, इसको आप लिखिए 5, 10, 12 और 15। इसका एलसीएम जब लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। इसका एलसीएम कितना आएगा बाबू, 60, इसका 60 आएगा। तो अब आपको क्या करना है, सबके 60-60 शर्ट ले लीजिए, नीले रंग का 60 ले लीजिए, 60 शर्ट। तो एक शर्ट में 5 शर्ट, एक पैकेट में 5 शर्ट है और आपको टोटल 60 शर्ट लेना है, तो कितने पैकेट लेने पड़ेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके वैल्यू आ जाएगी 12। कितनी आ जाएगी बाबू, 12, ठीक है, 12 शर्ट चाहिए आपको, ठीक है। अगला क्या है, पीला 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। चलिए अगला कितना है, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, ठीक है, 5 आएगा, बहुत अच्छा। अगला क्या है, अगला है 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि आपको 12 पैकेट, 6 पैकेट, 5 पैकेट और 4 पैकेट लेने पड़ेंगे। तो इसकी ऑप्शंस कहाँ हैं, नीला 12, नीला कहाँ है, 12, 6, 5 और 4, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको समझ में आ गया, इस तरीके के सवाल मैंने जितने भी सीटेट के सवाल देखे हैं, एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि संख्याएं दे देंगी और कहेगी समान मात्रा में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जितनी संख्याएं दी हैं उसको आपका एलसीएम निकाल लेना है और एलसीएम निकाल के उन संख्याओं से डिवाइड कर दीजिए, आपका यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा दोस्तों। अगला देखते हैं, 5 जनवरी 2022 को ही पूछा गया सवाल सीटेट में, रेणुका ने तय किया कि वह रस्सी और कील की मदद से मैदान पर एक वृत्त बनाएगी। अच्छा है, एक रस्सी और कील की मदद से वो वृत्त बनाएंगे, तो उसने क्या किया, एक पतली सी रस्सी ली और उसके दोनों सिरों को एक एक कील से बांध दिया। अच्छा, दोनों सिरों को एक एक कील से बांध दिया, फिर अपने मित्र की मदद से वृत्त बनाई, तो दी गई परिस्थिति में निम्नलिखित कौन सा कथन सही होगा। पहले देखिए रेणुका ने किया क्या, रेणुका ने क्या किया भाई, ये हमारे पास देखिए, रेणुका ने एक्चुअली क्या किया, उन्होंने ऐसे रेणुका ने एक पतली रस्सी ली, रेणुका ने एक पतली रस्सी ले ली यहाँ पे, ठीक, वहाँ पे कील लगा दिया और यहाँ पे भी कील लगा दिया, और इस कील की मदद से एक क्या किया, एक ऐसे उन्होंने सर्कल बना लिया। चलिए, तो रेणुका ने क्या किया, ऐसे सर्कल बना लिया। अब ये जो रस्सी होगा, रस्सी इस सर्कल की क्या होगी, रस्सी इस सर्कल की त्रिज्या होगी, यानी कि रस्सी इस सर्कल की क्या होगी बाबू, रस्सी इस सर्कल को का रेडियस होगा। समझ में आ रहा है बात, चलिए अभी देख लेते हैं। यही कह रहा होगा कि प्रयोग में की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की जीवा नहीं होगी, प्रयोग में की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त का व्यास नहीं होगा, व्यास का आधा होगा, और प्रयोग में की गई रस्सी उस लंबाई की वृत्त की त्रिज्या होगी। ये वाला विकल्प बिल्कुल सही है, थर्ड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। क्या होगा बाबू, जीवा होगा। समझ में आ गया, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये तो इस तरीके के भी एक सवाल आते हैं, कन्फर्म एक सवाल आता है, मैंने जितने भी सेट देखे उसमें एक सवाल इस तरीके के पूछे जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इतना चीनी है और इतना को कितने पूर्ण पैकेट बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब आपके पास 10 रुपये हैं, 10 रुपया है तो 2-2 रुपये के कितने सिक्के निकाल सकते हैं उसमें से, 10 में से 2 घटा डिवाइड कर दीजिए निकल जाएगा। ठीक वही काम यहाँ पे भी करना है, इतना चीनी है हमारे पास, कितना चीनी है, इतना चीनी है, और इतने के कुल कितने पैकेट बनाने हैं, तो इसको ज़रा अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 51 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 153, और 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 155 बाई 3। अब हम 3/4 से भाग देंगे, 3/4 से भाग देंगे, तो जब हम गुणा लिखते हैं तो 4/3 हो जाता है। ये थोड़ा सा बेसिक सा मैथ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आएगा भाई, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, चलिए ये हम कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कहीं से कट नहीं रहा है, तो ये 5 4 20 और 20 2 22 के 2 कैरी 2 4 2 4 620/9। अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है, सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई कितना हो जाएगा, 7 9 63 होता है,
ये हो जाएगा 6 9 जा, थोड़ा इसको सॉफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, 6 9 जा, 6 बार में जाएगा तो 6 9 54, हमारे पास बच जाएगा 8 बच जाएगा, ठीक है, 8 8 और 0 80 हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा, तो 9 8 या 72 72, तो 9 8 या 72 68 और 72 80 दो बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 20 हो जाएगा, 9 2 18 68.2, कहीं ऑप्शन दिया है 68.2, कहीं ऑप्शन नहीं दिया है, तो हमारे पास क्या दिया है 68 दिया है, तो हम 68 लिख लेंगे, सही है। इस तरीके से सवाल हमें क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना है। अगला सवाल देखते हैं, 5 जनवरी 2022 को ही पूछा गया सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, एक एक अभाज्य संख्याएं हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अभाज्य संख्याएं किसे कहती हैं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके अपने और एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ 13, 13 केवल दो ही अंक से कटेगा, एक एक से और दूसरा 13 से, ठीक है, तो दो गुणनखंड होने चाहिए, एक स्वयं एक एक, दो होने चाहिए, मिनिमम कितने चाहिए, दो होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें दो दो के भी दो गुणनखंड हो गए, एक एक और एक खुद दो, तो ये क्या है, यह एक अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। इसके अलावा भाज्य संख्याएं क्या होती है, जैसे मान लीजिए 6 भाज्य संख्या का मतलब इसके कम से कम अपने और एक के अलावा कम से कम कोई एक ऐसा अंक होना चाहिए जो इसको डिवाइड करता हो, तो 6 को आप 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, ठीक है, कम से कम एक तो होना चाहिए, चलिए अपने अलावा, राइट, अपने और एक के अलावा कोई एक और अन्य होना चाहिए, तो एक एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक किसी और से नहीं कटेगा, दो गुणनखंड नहीं होगा, एक एक भाज्य संख्या भी नहीं है, क्योंकि अपने अलावा ये किसी और से नहीं कटने वाला, एक एक भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों जब यही नहीं, तो ये वास्तव में क्या है भाई, ये वास्तव में ना एक अभाज्य है ना ही भाज्य है, ठीक है, ना ही प्राइम है ना ही को प्राइम है, चलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, CTET 5 जनवरी 2022 को पूछा गया सवाल, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है तो सबसे छोटे कोण की माप बताइए। इस तरीके के सवाल अक्सर पूछते हैं, आप देखिए क्या करना है, इनके अनुपात कितने हैं, 5 6 और 7 हैं, तो मान लीजिए 3 कोण हम ले लेते हैं, 5x + 6x + 7x, तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, योग कितना होता है, 180 होता है, कोई डाउट नहीं, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 7 18, 18x = 180, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बाबू, 10 आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल आपसे कह रहा है कि सबसे छोटे कोण, इसमें सबसे छोटा कौन है, 5, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x की वैल्यू हो जाएगी बाबू 5 × 10 = 50, देखा आपने, इस तरीके का सवाल पूछता है, यकीन मानिए पूछता है, तो आप क्या करेंगे, उनके उनको x में सब आपस में जोड़ देंगे और 180 कर देंगे बराबर, x की वैल्यू निकाल लीजिए और सामने निकाल लीजिए। चलिए अगला सवाल फिलहाल देख लेते हैं, विमल जी हैं, विमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाते हैं और उसने एक तिहाई, कैंडी का मतलब आई थिंक यहाँ पे चॉकलेट से, वाह, एक तिहाई जॉन को, एक चौथाई राधा को, 1/5 सुष्मिता को और 1/6 भाग मिकू को दे दिया, बची हुई 6 कैंडियाँ उसने स्वयं खा ली, तो खाली तो पैकेट में कुल कितनी कैंडी थी, पैकेट में कुल कितने चॉकलेट थे। अब इसको भी सेम उसी प्रोसेस से करेंगे, कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल जो कैंडी थी वो एक्स थी, ठीक है, बहुत अच्छी बात, अब एक्स का एक तिहाई जॉन को, मतलब 1/3 किसको दे दिया, जॉन को, अच्छा, 1/4 राधा को 1/4 दे दिया, चलिए 1/5 भाग सुष्मिता को, 1/5 सुष्मिता को दे दिया, और 1/6 भाग मिकू को, 1/6 भाग उसने मिकू को दे दिया, ठीक है, और अभी भी 6 कैंडी हमारे पास बच रही है, तो ये सब आपस में जोड़ेंगे तो x के बराबर होगा, क्योंकि हमने माना है x उसके पास टोटल कैंडी थी। अब इसको क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अब इन सब का अगर आप एलसीएम लेंगे 3 4 5 और 6, तो मुझे लगता है इन सब का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, इस सब का एलसीएम मेरे मुझे लगता है 60 होगा, कितना होगा, 60 होगा, 60 ही होगा, आई थिंक 60 होगा ना, हाँ 60 होगा, ठीक है। अब इसको क्या करें, 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, यानी कि 20x, 4 से करेंगे तो 15 आएगा, यानी कि 15x, 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 से करेंगे तो ये आएगा 12 12 5, तो ये हो जाएगा 12x, 6 से करेंगे तो 10, तो ये हो जाएगा 10x, और इससे करेंगे तो 10, 1 से मतलब यहाँ पे टोटल आपको 36 360 लिखना पड़ेगा। अब इसको कुछ नहीं करिए बाबू, इसको सॉल्व करें, 60x = 57x + 360, ये इसकी वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व करना है, 60x और 57x, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा,
थ्री एक्स इज इक्वल्स टू 360, ठीक है। अब तीन से कट कट करिए, तीन एकम तीन, तीन सौ 120 क्या आ जाएगा हमारा, इसका सही आंसर आ जाएगा 120 हमारे पास टोटल सही आंसर आ जाएगा। समझ आ गया बाबू, 120 इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल। तो ये इस सेट का 5 जनवरी 2022 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का युग 98 है, तो उस क्रम की तीसरी संख्या क्या होगी। ये देखिए कह रहा है सम संख्याएं, और सम संख्याएं हम कैसे लिखते हैं, 2x से। पहला हमारा हो गया 2x, ठीक है। दूसरा क्या होगा, 2x प्लस 2। तीसरा क्या हो गया, 2x प्लस 4। चौथा 1, 2, 3। चौथा क्या हो गया, 2x प्लस 6। पांचवा क्या हो गया, 2x प्लस 8। नेक्स्ट क्या हो गया, 2x प्लस 10। 7 हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए ना। एक और ले लीजिए, 2x प्लस 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 हो गई। अब कह रहा है इन सब संख्याओं का योग कितना है, 98 है। अब जोड़ लीजिए कितने x है। पहले देखिए 7 तो 2x होंगे, यानी कि 14x यहाँ हो गए, 14x यहाँ हो गए। और उसके बाद क्या था, 2, 4, 6 ऐसा करके है। तो 2 और 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30 और 12, 42। 14x प्लस 42 इज इक्वल्स टू 98। इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए, इसको क्या करते हैं सॉल्व कर लेते, थोड़ा सा ये पेंसिल सही नहीं चल रहा है, इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों, 14x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 98 माइनस 42, ठीक है। 98 माइनस 42, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 14x की वैल्यू आपकी हो जाएगी दोस्तों, ये 8 में से 2 गया 6 और 9 में से 4 गया ये, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 आ रहा है, सही करेक्ट। 4 x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 x की वैल्यू 4। तो तीसरा पूछ रहा है ना, वही तो मैं कहूँ कि ऐसे सवाल में प्रॉब्लम कहाँ गई। तो इस क्रम में तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो पहला तो 2x था, दूसरा 2x प्लस 2 था, तीसरा क्या था, तीसरा था दोस्तों 2x प्लस 6 था, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 4 2 8 और 8 6 14, यानी कि 14 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दिया था, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा लिख नहीं पाया था। तो इस तरीके से आपका दोस्तों सीटेट 5 जनवरी 2022 के सारे सेट के सवाल हो गए मैथ के। अब हम चलेंगे दोस्तों आपके अगले सेट की तरफ, जो कि है 6 जनवरी 2022 को मैथ के पूछा गया प्रश्न, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ फ़ैन मैंने ऑन कर लेते हैं, फ़ैन इसलिए शुरू में ऑन नहीं रखते क्योंकि ना ये पूरी बैकग्राउंड नॉइज़ आती है। तो अभी हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे 6 जनवरी 2022 के फिर 15 सारे सवाल को, ठीक है। आइए चलते हैं वहाँ पर, थोड़ा सा आराम कर सकते हैं आप, कर शुरू करें बच्चों। चलिए आइए पहला सवाल देखते हैं, पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल देखते हैं। ओके, पहला सवाल देखिए, 6 जनवरी 2022 सीटेट पेपर 1 में पूछा गया सवाल कि इतने में कितने सैकड़े कितने सौ हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल पूछ दिया। तो कितने सौ हैं भैया, देखिए यहाँ पे 21 दहाई सैकड़ा हज़ार, मतलब कितने सौ पूछ रहा है। सिंपल सी बात है कि दो अंकों के बाद से 100 शुरू हो जाता है, मतलब 253 सौ हैं। कितने सौ हैं भाई, 253 सौ हैं, ठीक है। आपका सवाल कितना आ जाएगा, 253 सौ है, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई, चलिए ये देखिए अगला सवाल देखते हैं। सीटेट 2022 का 6 जनवरी को पूछा गया सवाल, कह रहा कि मैं दो अंकों की विषम संख्या हूँ। अच्छा, दो अंकों की विषम संख्या, अच्छा तो इसमें दो अंकों की विषम संख्याएँ कौन कौन सी हैं, ये तो नहीं है। अगला सवाल देखिए, और 24×4 से अधिक हूँ। ओके, 24×4 से अधिक है, मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं। अच्छा, इकाई और दहाई के अंक बराबर है, ओहो, तो ऐसी कोई संख्या जो इकाई और दहाई का अंक बराबर भी हो और क्या कह रहे हैं, विषम संख्या हो। तो इकाई और दहाई का अंक बराबर, देखिए ये है बराबर है और विषम संख्या है, और ये कह रहा है कि 24×4 से बड़ा है, यानी 24×96 से बड़ा है, तो बस सेटिस्फाई कर रहा है सारी चीज़ें, यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 6 जनवरी सीटेट का ही प्रश्न है, और कह रहा है कि संख्या में आए 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। हमेशा एक सवाल पूछता है, ठीक है, 7 के स्थानीय मान, इसमें 7 यहाँ पे आया है, तो जब भी ऐसे स्थानीय मान करें ना, तो 7 जहाँ पे आया है उसके बाद जितने अंक हों उसको 0 लिख दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे 7 के बाद देखिए कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4 ये हो गए 7 के स्थानीय मान। दूसरा 7 यहाँ आया है, तो इसके बाद से कितने 0 हैं, 1 0 है। चलिए इसको माइनस कर लीजिए, इसका अंतर पूछ रहा है, 0 में से 0 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 यहाँ बचेगा, 9 यहाँ बचेगा, 9
यहाँ बचेगा 6 6 9 9 3 0 कहीं है 6 9 9 3 0 यहाँ पे है 6 9 9 3 0। इस तरीके से करते जाइए, आपका सवाल होता जाएगा और आप नंबर पाते जाएंगे। अगला सवाल फिर 6 जनवरी 2022 को पूछा गया, कह रहा है कि इतना और इतना का गुणनफल है। अच्छा ठीक है, गुणनफल है, देख लेते हैं। अच्छा पहले एक बेसिक ट्रिक देख लीजिए, जब भी हम कोई पॉइंट्स में गुणनफल करते हैं, गुणा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उसके गुणनफल में पॉइंट के बाद उतने अंक होंगे। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, मतलब जो आपका गुणनफल होगा, जो आपका प्रोडक्ट होगा, उसमें पॉइंट के बाद 5 अंक होंगे, क्योंकि 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो पहले देखते हैं क्या इससे सॉल्व हो जाएगा, कि कोई ऐसी संख्या जिसमें पॉइंट के बाद से 5 अंक है, ज़रा देख लेते हैं। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, इसमें 5 अंक है, 1 2 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 ये भी नहीं होगा, तो यही वाला हमारा सवाल हो जाएगा, पॉइंट के बाद 5 अंक वाला, ये वाला सही हो जाएगा। अगर आपको करना चाहें तो कर लीजिए, 7 3 21 का 1 और 7 1 7 2 9 91 और पॉइंट के बाद 3 इधर 0 0, तो 1 2 3 और 0, तो ये वाला सही, देखिए यही सवाल जो आपका सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए आपको 0.2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करना हो तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 6। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक, 0.06। समझ में आ गया, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं पॉइंट्स का। चलिए इतना तो आप सब कर ही सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या करें, अगला सवाल में कुछ दाम दिया है, जैसे दूध। अच्छा इस सवाल देखिए, निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव करिए। क्या है पढ़ लेते हैं, बच्चों का पसंदीदा पेयजल और दूसरा है बच्चों की संख्या, मतलब 30 बच्चों को दूध पसंद है, 25 बच्चों को कॉफ़ी पसंद है, 35 बच्चों को चाय पसंद है और 10 बच्चों को नींबू पसंद है। ओके 10 बच्चों को क्या है, नींबू पसंद है। देखते हैं कि टोटल कितने बच्चे हैं, तो टोटल कितने बच्चे हैं भैया, 10 और 35 45 50 दो 50 और 20 70 70 3 100, टोटल 100 बच्चे हैं। ठीक है टोटल 100 बच्चे हैं, ठीक है चलिए आगे देखते हैं। ये बगल वाले के यहाँ एक पेट्स है, वो पूरी रात ऐसे ही करता रहता है, बट आई कांट से एनीथिंग, ओके जस्ट लीव इट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत इरिटेटिंग होता है यार ये, बहुत इरिटेटिंग होता है सीरियसली, मतलब लेकिन कोई बोल भी तो नहीं सकता। अच्छा चलिए, नींबू नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल संख्या से 1/5 है। अगर इस इसके 1/5 करेंगे तो क्या 20 बच्चे नींबू पानी पीते हैं, नहीं पीते हैं, तो ये पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कॉफ़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल संख्या 1/4 है, 1/4 कितना होता है, 1/4 करेंगे तो 25, क्या 25 बच्चे कॉफ़ी पीते हैं, 25 बच्चे कॉफ़ी पीते हैं, तो सही है, तो सही हो जाएगा भैया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, टोटल 100 बच्चे थे और कह रहा है कि क्या कॉफ़ी पीने वाले इसके 1/4 हैं, तो 4 से भाग करेंगे तो 25 ही आएगा और 25 संख्याएं हैं। समझ में आ गया, इस तरीके से सीटेट का सवाल पूछा गया। अगला सवाल देख लीजिए, सीटेट का ही है, 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोणों का माप क्या होगा। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, ये सवाल आता है तो मुझे बड़ा मजा, एक्चुअली मेरा ना ज्योमेट्रिक बड़ा अच्छा है, तो जब भी ज्योमेट्री का कोई सवाल आता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब इसमें कह रहा है भाई, यहाँ पे मान लीजिए 12 है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3। अब घड़ी की सुई का टाइमिंग क्या है, घड़ी की सुई की टाइमिंग है, तो यह है घड़ी की टाइमिंग 2 बजे। अब कह रहा है कि इसके बीच एंगल कितना है, तो देखिए अगर मान लीजिए ये 3 पे होता तो कितना होता, 90 हो जाता, जब 3 पे होता तो 90 हो जाता, और आप देखेंगे इसको 90 को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, यानी कि ये 30 होगा, ये 30 होगा, ये 30 होगा, तो 12 से 2 के बीच में कितने एंगल होंगे, देखिए मैं फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे अगर 3 पे होता तो ये 90 होता, ठीक है, और ये क्या है भाई, ये 2 पे है, ये 1 पे है, और ये आपस में ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये तीनों बराबर होगा, तो 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 का 30 आएगा, तो 2 का कितना आएगा बाबू, 2 का कितना आएगा, 2 का कितना आएगा, 2 का कितना आएगा, 60 आएगा। समझ में आ रहा है, यही आपका मैथ का सवाल पूछा गया। इसके बीच एंगल कितना हो जाएगा, इसके बीच एंगल हो जाएगा 60, ठीक है बहुत अच्छा। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि बिंसी जो है सजावट की वस्तुओं की न्यूनतम राशि खर्च करना चाहती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुने जिसकी उनकी न्यूनतम राशि खर्च होगी। चलिए वो कुछ खरीद रही हैं, अब जैसे कैसे खरीद रही हैं, अब वो चीज़ें खरीद रही हैं 18.5 रुपये की भाव से, प्रत्येक वस्तु की दर से 16 दर्जन खरीद रही हैं। ओके 16 दर्जन, तो 8.50 को 16 दर्जन से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8.50 को, सॉरी 18.50 को 16 दर्जन से
मल्टीप्लाई करिए, दर्जन का मतलब 12, इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करा देते हैं। दूसरा विकल्प क्या कह रहा है, 21.50 पैकेट की प्रत्येक प्रत्येक पैकेट की दर से 170 पैकेट, 121.50 की दर से 170 पैकेट, अच्छा ये बात है। तीसरा क्या कह रहा है, 25 रुपये प्रत्येक वस्तु की दर से 12 दर्जन, 25 रुपये प्रत्येक वस्तु की दर से 12, और दर्जन का मतलब दर्जन, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्या कह रहा है, 16.50 की दर से 120 पैकेट, 16.50 की दर से 220, 16.50 की दर से 220 पैकेट, तो ये क्या है, ये उसकी टोटल है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितनी वैल्यू, दोस्तों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी टोटल वैल्यू आएगी। तो इसमें कह रहा है सबसे कम, सबसे कम की स्थिति यही है, सबसे कम पहली स्थिति है, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है, सबसे कम स्थिति क्या हो जाएगी, पहली स्थिति हो जाएगी सबसे कम रुपये उसको यहाँ खर्च करनी पड़ेगी, पहली कंडीशन, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहे हैं कि विभिन्न सप्ताहों में पौधों की लंबाई की परिवर्तन सेंटीमीटर में दिखाया गया है, पौधों की लंबाई में सबसे अधिक परिवर्तन कब हुआ है, आपको ये बताएं सबसे ज़्यादा चेंजेस कब हुआ है। देखिए पहले सप्ताह में इतना था, दूसरे सप्ताह में इतना हो गया, जब इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 1.2 सेंटीमीटर, मतलब पहले सप्ताह में 0.5 था, दूसरे सप्ताह में 1.2 सेंटीमीटर बढ़ के कितना हो गया, 2.7 हो गया। अब तीसरे सप्ताह में अगर इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो 5.8 से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 3.1, ठीक है। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.8 2.8, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 0.9 और 2.9। तो सबसे ज़्यादा चेंजेस किस में आया, सबसे ज़्यादा चेंजेस आया दूसरे सप्ताह से तीसरे सप्ताह जाने में, सबसे ज़्यादा चेंजेस दूसरे सप्ताह से तीसरे सप्ताह जाने में आया है, यहाँ पे आया है। तो दूसरे सप्ताह से तीसरे सप्ताह तक क्या हुआ, सबसे ज़्यादा चेंजेस आया, ओके, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कह रहा था कि नीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक पृष्ठ गिन रहे थे। अच्छा, फलक पृष्ठ मतलब फेस, राइट, फलक पृष्ठ का मतलब फेस, द नंबर ऑफ फेसेस, घन में यानी कि क्यूब में, तो क्यूब में कितने फेस होते हैं भाई, माचिस की डिब्बी में कितने फेस होते हैं, एक नीचे से, एक ऊपर से, एक साइड, चार साइड से, 6 फेस। तो ये दोनों तो यहीं ख़त्म हो गया, इन दोनों में संभावनाएं हैं, ये दोनों ख़त्म। सिलेंडर में कितने फेस होते हैं, सिलेंडर में देखो फेस की बात करें तो जैसे मान लो एक तो हमारा ऐसे गोल सा बना होता है और एक नीचे वाला होता है, एक ऊपर वाला ऐसे होता है, तो कितने हो गए, एक ये और एक ऊपर नीचे, तीन हो गए ना, तीन सतह होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। पांच मित्रों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है, पांच मित्रों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर, इसमें सात मित्रों की लंबाई 20 20 20 है, तो उफ कुछ नहीं है सवाल में। मान लेते हैं कि हमारा पहला मित्र की x लंबाई थी x प्लस, अब इनके देख लेते हैं, 153 प्लस 150 प्लस 151 प्लस 147, अब इसको अगर आप पाँच से अगर सबको जोड़ेंगे, अगर आप इन सबको जोड़ेंगे और पाँच से डिवाइड कर देना तभी तो ऐसा औसत निकलता है, तो सबको जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 601, ठीक है, कितनी आएगी 601, एक्स प्लस 601 बटे पाँच। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस 601 और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 750 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्स की अगर वैल्यू निकालेंगे आप तो एक्स की वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल्स टू 750 माइनस 601, यानी कि इस तरीके से 149 इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 149, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 149, हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा 149 इसका सही आंसर। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई असुविधा नहीं बाबू। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इस तरीके से अगला सवाल देखते हैं, CTET 2022 6 जनवरी को पूछा गया, कह रहा है कि टीम ए ने पहली पारी में इतना रन और दूसरी पारी में इतना रन बनाया, टीम बी ने पहली पारी में इतना रन और दूसरी पारी, किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से, ये देखिए कितना अच्छा सा सवाल पूछ दिया। तो पहले देखते हैं टीम ए ने कितना रन बनाया, ए ने पहली पारी में बनाया था 368 और दूसरी पारी में बताया था 458, मतलब टीम ए ने टोटल कितना रन बनाया था, तो इन्होंने बताया था 8 8 16 6 5 11 1 12 2 कैरी 1 4 3 7 1 8, तो ए ने 826 बनाया था, ए ने कितना बनाया था भाई, ए ने 826 बनाया था। अब आइए
ए ने कितना बना दिया, ए ने बना दिया 826। अब ज़रा बी की देखते हैं, बी कितनी बनाए, बी ने पहली पारी में बनाया 395 और दूसरी पारी में कितना बनाया 439। तो टोटल इसका रन देखते हैं, 9 5 4 कैरी 1, 9 3 12 13 1 3 7 1 834। मतलब बी ने जीता है, तो टीम कौन सी टीम जीती है, टीम बी जीती है। कितने रन से जीती है भैया, तो ये जीती है आपका 6 4 10 4 6 8 रन से टीम बी जीत गई है, टीम बी 8 रन से जीत गई है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, टीम बी 8 रन से जीत गई है, ये आपका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, सी डेट का ये अगला सवाल। एक ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर 2021 को सुबह 5 बजे निकलती है, 28 सितंबर को सुबह 5 बजे एक ट्रेन निकल रही है, वह अगले दिन 21:50 पे चेन्नई पहुंच, ट्रेन की यात्रा में कितना समय लगा, जरा देख लीजिए भैया। आज निकली है सुबह 5:30 पे और अगले दिन रात को पहुंच रही है 9:50, मतलब रात को पहुंच रही है, तो टोटल कितना घंटा लगा। देखिए आज सुबह 5 गई और कल सुबह 5:30, मतलब आज सुबह 5:30 से कल सुबह 5:30 तक 24 घंटा हो गया, ठीक है। अब देखिए सुबह 5:30 से लेके, ठीक है, रात को 9:50 जा रहा है, 5:30 के बाद 6:30 एक घंटा, 7:30 8:30 9:30 11:12 1 2, मतलब शाम के 5:30 तक कितना हो गया 12 घंटा, सुबह 5:30 से शाम को 5:30 12 घंटा, ठीक है, घंटा हो गया, सही है। अब आइए 9:30 9:50 तक जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए 30 मिनट अगर आप जोड़ देंगे तो शाम का 6 बज गया मिनट, यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं 6 बज गया, और वहाँ पे 3 घंटे और जोड़ देंगे यानी कि 9:50 9 बज गया और 50 मिनट, कितना 9:50, तो यहाँ पे प्लस 50 कर दीजिए, तो कितना हो गया 24 3 27 27 2 29 29 10 39 घंटे और 80 मिनट, 80 मिनट का मतलब 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि 40 घंटे 20 मिनट का टोटल सफ़र था। कितना सफ़र था बाबू, 40 घंटे 20 मिनट का सफ़र था, 40 घंटे 20, ये बस कैलकुलेशन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस तरीके से आप अलग तरीके से, बस ये है कि देखना है कि कितने समय तक इसका सफ़र रहा था, कितने समय तक इसने ट्रैवल किया था। अब आइए दिस इज गोना बी द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद ख़त्म करेंगे। दिए गए विकल्प में उस उपसंख्या को पहचानी जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का गुणज नहीं। अच्छा देखिए एक बात तो कह रहा है कि 6 का गुणज नहीं है, तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा 6 का गुणज नहीं है। जो 6 का गुणज नहीं होगा, अगर मान लीजिए 1 से ज़्यादा ऐसे संख्याएं हैं जो 6 की गुणज नहीं है, तब हम इसको चेक कर लेंगे। देखते हैं क्या ये 6 का गुणज है, तो 6 3 18 और 3 0 6 5 30, ओके ये तो 6 का गुणज है, ये तो 6 का गुणज है, ये देखिए ये भी 6 का गुणज, 6 कम 6 6 35 7 6, ये भी 6 का गुणज, ये एक ऐसी संख्या है जो 6 का गुणज नहीं है, मतलब 280 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो पूरी पूरी नहीं कटेगी। 6 4 4 24 4 6 6 6 36 फिर 4 बच जाएगा, फिर 40 हो जाएगा 80, मतलब ये पूरी की पूरी नहीं कटेगी। तो यही एक ऐसी संख्या है जो 6 का गुणज नहीं है, तो जब यही 6 का गुणज नहीं है तो बात खत्म, हमें यही देखना था कि 6 का गुणज नहीं, उसके बाद तो देखते हैं, तो एक ही ऐसी संख्या जो 6 का गुणज नहीं है, ये हमारे क्या हो जाएगा, सही सवाल हो जाएगा। सीटेट 6 जनवरी 2022 का पूछा गया ये लास्ट प्रश्न है, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं हैं। ओके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सममित मतलब सिमेट्रिक लाइन, मतलब जब जैसे मान लीजिए वह लाइन जो इसको समान रूप से कट कर दे, ठीक है, जैसे ये ई है, तो अगर आप ई में बाबू बीच से ऐसे कट कर देंगे तो ऊपर का भाग और नीचे का भाग एक समान होगा, बात तो सही है, लेकिन जब खड़ा कट करेंगे बीचों बीच तो ये एक समान नहीं होगा, ठीक है, ई वाला ऑप्शन नहीं होगा। कह रहा है कि दोनों तरीके से ऊपर नीचे दोनों, समझ ये टी है, टी को अगर आप बिल्कुल ऊपर से बीचों बीच काट देंगे तो दोनों तरफ एक समान की आकृति दिखाई देगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब इसको अगर आप बीच से कट करेंगे तो ये ऊपर नीचे एक समान आकृति नहीं दिखाई देगी, ठीक है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। हमें कह रहा है कि बाबू समान रूप से चाहिए, क्या चाहिए समान रूप से, कौन सा हो सकता है, बिल्कुल H में देखेंगे आप, H में अगर आप बीच से समान रूप से काट दें तो ये दोनों तरफ की एक जैसी दिखाई देगी आकृति, ठीक वैसे ही H बीचों बीच अगर यहाँ से भी काट देते हैं तब भी देखेंगे दोनों एक तरीके से। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो सिमेट्रिक लाइन किस में होती हैं, H में होती हैं, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस तरीके से बाबू थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपने 2 सेट देखे 5 जनवरी और 6 जनवरी के 2 सेट देखे, ठीक है, इस तरीके से आपने 2 सेट देख लिए, बाकी के सारे सेट हम धीरे धीरे करते रहेंगे।
एग्जाम आने से पहले आपके सारे सेट ये हो जाएंगे, और इसके बाद भी जो 2023 में पेपर हुआ था वो भी सारे सेट हो जाएंगे, ताकि मजा आ जाएगा। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जब आप पेपर देने बैठे तो कम से कम एक बार पूरा देख लेंगे कैसे बनाएं, उसके बाद एज इट इज़ सवाल कई बार कॉपी करें, एज इट इज़ सवाल दे दिया जाता है तो आपकी वहाँ पे क्या हो जाएगी, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे हमने 5 जनवरी और 6 जनवरी का देख लिया, और अगले की ऊपर की सारी वीडियोज़ में भी हम ये सारी चीज़ों को देख चुके हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप देख लेंगे। बाकी 2 से 3 वीडियो में और हम ये क्या करेंगे, इन सारे सेट को ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 CDP देखेंगे, फिर उसके बाद EBS देखेंगे, फिर हिंदी देखेंगे, इंग्लिश देखेंगे, और इस तरीके से ये जो 15 सेट का सवाल पूछा गया था उसको हम समाप्त करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, जुड़े रहिए चैनल से, अगर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके फिर अच्छे रहिए, मेहनत अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।